हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओढ़नी पर गोटा लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसे आप चाहे तो पिको भी बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा और आसान तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आज आपको बताऊंगी, ये मशीन तो एम्ब्रॉयडरी की है पर इसे नॉर्मल स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, अगर मैं अपनी मशीन पर नॉर्मल स्टिच करती हूँ तो मेरी मशीन एक नॉर्मल मशीन की तरह ही रहेगी। अगर मैं जिगजैग का इस्तेमाल करती हूँ तो वो एक एम्ब्रॉयडरी मशीन हो जाती है। पर मैं आपको आज एक नॉर्मल मशीन पर पिको करना सिखाना चाहती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पर नॉर्मल थ्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो पिको थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा होगा, पिको का थ्रेड जो होता है वो दिखता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा पिको होगा। पर मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल थ्रेड का इस्तेमाल करके ही बता रही हूँ, ठीक है। मैंने बॉबिन में और ऊपर की साइड दोनों तरह मैंने सेम धागा ही लिया है जो गोटे के कलर का है। और अब हमें जो चाहिए वो होगा पिको का फुट। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये पिको का फुट लेकर आ जाइए और आप अपनी नॉर्मल मशीन में भी पिको का फुट सेट कर सकते हैं और घर पर ही पिको कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर हमें पिको का फुट ऐड करना है बहुत ही आसान तरीके से। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल फुट का इस्तेमाल करूँगी, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर किस तरह से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके रिलेटिव कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, हम बहुत ही जल्द आपका आंसर देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इसी तरह लेटेस्ट वीडियो और रिक्वेस्टेड वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखिए, इस तरह से आपको करना है जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपको मतलब जो स्टिच होता है वो बड़ा स्टिच आपको लेना है। यहाँ पर मैंने चार पर किया है, आप अपनी मशीन में भी चार या पांच पर कर सकते हैं। उसमें पांच तक आता है, नॉर्मल मशीन में आप चार तक कर दीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ। आपको बड़ा स्टिच यहाँ पर लेना है। सबसे पहले बड़ा स्टिच लें क्योंकि ये गोटा है और इसमें धागे निकलते हैं, गोटे में धागे निकलते हैं। इसके लिए हमें बड़ा स्टिच करके एक नॉर्मल स्टिच करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और आप पीछे से खींचते रहिए ताकि इसमें सलवट ना आए, क्योंकि गोटे में सलवटें आती है, ठीक है। तो इस तरह से खींच करके आप पूरा गोटा लगा ले, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इस तरह से आप करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसी तरह हम वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना फ्री है तो आप बेहिचक होकर कर सकते हैं। और साथ ही इस बेल पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो नई वीडियो अपडेट करते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, इस तरह से आपको करना है। और हमारे एक व्यूवर्स ने हमसे पूछा, अगर गोटा बीच में से कटा हुआ आए और उसे हम वापस कैसे जोड़ें, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बता रही हूँ स्पेशल, क्योंकि उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट किया था कि किस तरह से कटे हुए गोटे को वापस जोड़ करके हमें तैयार करना है। तो देखिए, ये हमारा गोटा कटा हुआ है, ठीक है। तो इसे कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। आपको उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छा समझाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। इस तरह से आपको स्टिच करना है।